नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम HCC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक जो है 42.6 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 3.90% का मार्केट में इसने आज अप मूव दिया है। इसी के साथ इसके मार्केट कैप हो गए 6,442 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है 18.6% की। ये स्टॉक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में है, काफी स्ट्रांग है सपोर्ट, एंड इसका रिजल्ट जो आया था Q3 का वो भी काफी अच्छा आया था। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। काफी डिटेल में चीजें इसमें मैंने मेंशन करी हैं, ठीक है। अभी के लिए हम चलते हैं चार्ट पे। देखिए, जो पुराने हैं उनको तो पता है कि ये सब कुछ क्या है, जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक चैनल बनाया था, ऑसिलेटर लगाया है मैंने RSI का, इंडिकेटर लगाया है रेंज का, एंड इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। देखिए, आज मार्केट में क्या हुआ है, बेसिकली 3-4 दिनों के बाद करेक्शन सब स्टॉक्स में हुई है, तो उसके बाद यहाँ पे तो काफी ये ज्यादा काफी स्ट्रांग ये रेजिस्टेंस देखी गई है, तो उसके बाद करेक्शन के बाद आज स्टॉक में बनी है लगभग 4% की तेजी। एंड अभी के लिए ये जो मुझे लगता था कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर इसने कहीं ना कहीं इसको पुराने वाले को इसने सपोर्ट बना के, यहां से सपोर्ट बैक लेके, अच्छा वॉल्यूम लेके इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक काफी अच्छी बात है, ठीक है। मैंने पुराने स्टॉक्स में भी एक चीज मेंशन करी, जो मेरे अब पुराने वीडियोस हैं, मतलब आज अपलोड करी है, उनमें एक चीज मेंशन करी है कि काफी स्टॉक्स जो है ना उस रेंज पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। RSI की बात कर रही हूँ, RSI को लेके उस रेंज पे ट्रेड करे, जहां से ये जब देता है रिवर्सल तो बहुत अच्छे मूव देता है, ठीक है। और काफी सारे स्टॉक्स है जो इस रेंज पे है जहां से वो रिवर्सल देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसने दिया है तो बहुत नहीं, थोड़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने दिया है तो काफी अच्छा मूव दिया है, ये इसी के आसपास ये यहाँ पे है, इसने कितना अच्छा मूव दिया। मुझे लगता है यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो ये काफी अच्छे मूव की संभावना हो सकती है। एंड ऑनेस्टली देखा जाए तो ये स्टॉक नो डाउट काफी भागा है, पर इतना ज्यादा करेक्शन भी हो गया और इतना ज्यादा गिरा नहीं है, क्योंकि बाकी स्टॉक्स की बात करें तो इसका प्राइस बैंड भी 10 का है, आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं, 10 का इसका प्राइस बैंड है। एंड एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। तो इसका प्राइस बैंड 10 का है एंड ये उतना गिरा नहीं है, स्ट्रांगली खड़ा रहा है ये, तो इसके, और ये स्टॉक जो है मुझे लगता है ट्रेड भी नहीं होता है ज्यादा, ये इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए लिया गया है, एंड काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम भी रहता है, तो इसके इन्वेस्टर्स मुझे लगता है काफी लॉयल है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, अगर वॉल्यूम कल की डेट में अच्छा आता है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना प्राइस का बनता है। अगर हमें 10% का देता है ये, तो ये तोड़ पाएगा, हाँ जी, 10% का अगर हम लेते हैं तो ये यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस पे होएगा, एंड हो सकता है कि परसों, मतलब थर्सडे को ये रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर दे, ठीक है। तो ऑल मतलब ये 52 वीक हाई न्यू क्रिएट कर सकता है ये, एंड इसमें पोटेंशियल भी है। एंड अभी के लिए अगर आपने बजट पे ध्यान दिया होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन सब चीजों पे काफी जोर दिया गया है, तो मतलब उसी सेक्टर का ये स्टॉक है, तो इस पे उम्मीद तो बनानी, मतलब कोई गलत बात नहीं होगी। तो देखिए, मैं हर एक स्टॉक में बात करती हूँ, हर एक वीडियो में बात करती हूँ कि कितना भी स्ट्रांग हो कोई भी स्टॉक, उस पे हमेशा स्टॉप लॉस अपना लेके चलिए। लोअर सर्किट में लॉक हो जाए वो तो एक अलग बात है, पर अगर फ्लक्चुएशन यूजली रहती है तो अपने स्टॉप लॉस लेके आप वो हमेशा देख के चलिए कि आपका एपेटाइट कितना है लॉस लेने का, एंड जो एपेटाइट प्रॉफिट का है वो भी ध्यान से देख के चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे से लालच में ना बड़ी चीजें गवा लेते हैं, और कुछ पुराने कुछ दिनों में SJVN के साथ ही लाइव एग्जाम्पल देखा गया है, ठीक है। तो वो भी अपना देख के चलिए, बड़े सारे स्टॉक्स के साथ ऐसा होता है। तो अभी मार्केट में कल क्या देखा जा सकता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, कि मुझे लगता है कि आप मूव देगा। अभी देखिए, यहां से जो गिरावट दिखेगी उसका वॉल्यूम चेक करिए, एंड जब ऊपर जा रहा था उसका वॉल्यूम चेक करिए, तो उतना तो जितना खरीदा गया उतना बेचा तो गया ही नहीं है, राइट, ये आप देख सकते हैं। एंड इस ये जो रेड कैंडल्स है इनमें भी डिलीवरीज उठाई गई हैं, एंड काफी अच्छी परसेंटेज के साथ, तो मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है, इसमें पोटेंशियल भी है, ठीक है। दूसरी एक बात, एक बार न्यूज देख लेते हैं, मार्केट में कोई न्यूज तो नहीं है, तो मार्केट में अभी के लिए कोई न्यूज नहीं है, पर एक मेजर न्यूज है जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगी, वो है SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1। तो ये स्टॉक इतना ज्यादा नहीं भागा है, पर फिर भी इतना भागा है कि SM की उसमें एक्स्ट्रा सर्वेलांस में ये आ चुका है,
उनकी नजरों में है, सेबी की नजरों में। तो ये भी ध्यान में देख के चलिए कि अगर ये स्टॉक फिर से थोड़ा ज्यादा भागा तो ये SM2 में भी जा सकता है, 3 में भी और 4 में भी जा सकता है, और इसका प्राइस बैंड 10 से 5 भी हो सकता है। तो वो भी अपनी नजरों में ध्यान में लेके चलिएगा जब भी आप एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब एंट्री की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए मैं होती तो मैं दोनों में एंट्री बना लेती अभी, क्योंकि मुझे थोड़ी छोटी सी कंफर्मेशन भी मिल गई है। एंड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 8% के आसपास का रिवॉर्ड तो है ही है। एंड रिस्क की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क जो है, जिस तरीके का भी मेरे को लगता है मूव मिलने वाला है, मुझे लगता है रिस्क जो है यहाँ पे 7% के आसपास का है, क्योंकि स्ट्रांग सपोर्ट मेरे को लगता है बना हुआ है, ठीक है। एंड बायर्स एकदम से यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये ऊपर जाना चाहिए। एंड ये मेरी एनालिसिस है, बाकी मैंने टारगेट्स भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, रेंज से जब निकलता है तब क्या करता है, चैनल से जब निकलता है क्या करता है, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो भी उसमें देख सकते हैं। एंड अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कोई किसी स्टॉक पे चाहते हो कि मैं एनालाइज करूं, तो मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू मैंशन वन मोर थिंग, कोई एक सज्जन थे, उन्होंने मुझे बोला था किसी स्टॉक, 3-4 स्टॉक बोले थे उस पर एनालिसिस करने के लिए। मैंने वो कमेंट बहुत ढूंढा, मुझे मिल नहीं पाया वो कमेंट, वो खो गया है मेरे से, एंड मैं वो स्टॉक्स भूल गई हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने 4 स्टॉक्स एक साथ बोले थे कि मेरे को बताना इनके बारे में, और मैंने बोला था कि मैं बाद में बना दूंगी, बट वो समहाउ स्किप हो गया। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप प्लीज मुझे दोबारा बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगी उनके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूं, और इस टाइम मैं नोट करके रख लूंगी, ठीक है। तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा अगर आप देख रहे हैं। एनीवे, ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।